नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस पंजाब टाइम और मैं हूं आपके साथ करण। भारतीय मजदूर संघ को आज उस समय भारी बल मिला जब पंजाब की इंटक की करीब 52 यूनियन एडवोकेट विजय धीर की अगुवाई में इंटक को छोड़कर भारतीय मजदूर संघ में शामिल हो गई। वहीं इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के नॉर्थ जोन के संगठन मंत्री पवन कुमार ने उन्हें शामिल किया। पवन कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के लिए जो स्कीम आ रही है वह लोकल सरकार उन तक नहीं पहुंचा रही, भले वो भट्टा मजदूर हो, मिडमेल वर्कर हो या नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे मजदूर, इंटक में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यह सभी लोग अपनी परेशानियों के कारण आज भारतीय मजदूर संघ में शामिल हो रहे हैं ताकि केंद्र सरकार जो भी मजदूरों के हित के लिए कर रही है वह उन तक पहुँच सके। भगवंत मान की सरकार अगर इसको अपने मान का ख्याल हो तो मजदूरों के सामने झुके आकर, अगर इस सरकार को अपने मान का ख्याल हो, नहीं तो मान मर्दन करना हम खूब अच्छे से जानते हैं, हम खूब अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए चाहता हूं आपसे मित्रों, धीरे धीरे आगे बढ़िए। भारतीय मजदूर संघ आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलिए। इस सरकार को निपटेंगे, किस किस की बात करेंगे धीर साहब, भट्टा मजदूरों को राशन नहीं मिलता, मोदी सरकार से ले आते हैं देते नहीं है। सरकार ने अभी कहा एक साल और राशन देंगे, वहां से दिल्ली से ले आएंगे पंजाब में, ना भट्टा मजदूरों को राशन मिलेगा ना मनरेगा मजदूरों को राशन मिलेगा। और तो छोड़िए, राशन मिलना तो दूर की बात है, ये बीपीएल के कार्ड भी बना रहे, लाल पीले कार्ड बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे, ये कार्ड नहीं बना रहे, ये राशन नहीं दे रहे, ये तनख्वाह नहीं दे रहे, ये कर क्या रहे हैं? तो केवल एक ही बात कर रहे हैं, और तुसी चिंता ना करो, असी बिजली फ्री कर देनी है, असी पानी फ्री कर देना, असी यह फ्री कर देना। महाराज तुसे चिंता ना करो, थोड़े दिन रुको, असी मान साहब तुहानू भी फ्री कर देना। तुसे चिंता ना करो, तो मजदूरों ने अगे असी तुहानू भी फ्री कर देना। फिर तुसी ते केजरीवाल दिल्ली च बैठे अपना एक ढोलक बजाना, एक गाना गाना, एक चीजा नचण लगी, यही कम तुसी पहला करदे सी, यही फिर करना, नचना गाना यही थोड़ा कम पहला से, यही फिर करना। मजदूरों की सुन लो, नहीं मजदूर तुम्हें फ्री करेंगे तो तुम अपने मूल धंधे में जाओगे। मेरा निवेदन ये है कि ये जो मजदूरों की जितनी भी समस्या है, भट्टा मजदूर की होगी, आंगनबाड़ी की होगी, आशा की होगी, मिड डे मील की होगी, पल्लेदार की होगी, चौकीदार की होगी, सरकारी कर्मचारी की होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी, ये नेस्ले के लोग आए हुए हैं। मैं नेस्ले की मैनेजमेंट को खूब जानता हूँ और नेस्ले की मैनेजमेंट हमारे धर्म ईमान से भी खेलती है। इनकी कॉफी में, इनके चॉकलेट में ये नालायक गाय की चर्बी मिला करके हमारा धर्म भी भ्रष्ट करते हैं। ऐसे लोगों से भारतीय मजदूर संघ सावधान करना चाहता है और आपसे निवेदन करना चाहता है कि अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, इन सरकारों को निपटेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपकी सब मांगे पूरी करेंगे। जय भारत, जय मजदूर। ये मजदूर मुलाजम जथेबंदियां जिहड़ियां सारे जिले भर दियां इंटक दे नाल संबंधित, वह अज इंटक दे कांग्रेस नूं छड के भारतीय मजदूर संघ दे विच शामिल हो रही है, जो भी इकट्ठ हैगा। इहदा कारण यह है कि 37 साल असी इस कांग्रेस पार्टी इंटक दे प्लेटफार्म ते कांग्रेस पार्टी दा असी दिन रात 37 साल अखां ते पट्टी बन के कुल्लू दे दाल वांगू जिहड़ी है निस्वार्थ सेवा कीती। सानू 37 साल दे विच कांग्रेस पार्टी ने नमस्ते तक नहीं मारेगी, जे असी नहीं कम कीता तां फिर इस दुनिया 'च कोई कम नहीं कर सकदा। यह मिसाल है मोगा ਦੇ ਇੰਟਕ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 37 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਾਲ 'ਤੇ
इस इलाके दे झंडा बुलंद किया कॉन्सपालिटी का इंटक के प्लेटफॉर्म के उत्ते इन्नी मैन पावर इकट्ठी की जोड़ी ते सानू नमस्ते मारन तक तैयार नहीं सीगे। असी पिछली दिसंबर नू भी इसे दिन ही इत्थे कहा सीगा भी जिहड़ी इंटक आ उह फिर हुण जिहड़ी मोगे दे असी लोग हैगे आ असी कॉन्सपालिटी दे सीरी दे तौर ते कम नहीं करांगे। अज सानू भारतीय मजदूर संघ ने अपने गले लाया वा एक अनुशासित पार्टी है ट्रेड यूनियन है सानू इत्थे प्यार मिलूगा। मैं पहला भी 1985 दे विच भारतीय मजदूर संघ ते भारतीय जनता पार्टी छड के कांग्रेस दे विच होया सी मैनू उस वेले पंजाब दी बुलंद आवाज सरदार गुरचरण सिंह निहाल सिंह वाला लैके गए सी कांग्रेस दे विच। ਇਹ 37 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੰਟਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੰਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵੇਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਵੇਤਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਔਰ ਇਨ ਸਭਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਨਕੇ ਲਈ ਵੀ EPF ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ, ਇਨਕੋ ਵੀ ESIC ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਮੇਂ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। इस प्रकार की सारी समस्याओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ, मिड डे मील हो, भट्ठा मजदूर हो, रेड़ी फड़ी का मजदूर हो, चूड़ी का मजदूर हो, खेत का मजदूर हो, किसी भी प्रकार का मजदूर होगा, सबको लेकर के तीन बातें भारतीय मजदूर संघ मांग रहा है, जॉब सिक्योरिटी, वेज सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। एक निश्चित वेतन इनको मिलना चाहिए ताकि ये अपने परिवार का गुजारा कर सके। आप जॉब की बात कर रहे हो, सेंट्रल सरकार तो सब कुछ प्राइवेट कर रही है, फिर इनको कैसे रखा जाएगा? साहब ऐसा लगता है मुझे कि सरकार केवल एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी अगर प्राइवेट ठेके पर दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गलत रास्ते पर सरकार चली गई है। इसको गलत रास्ते पर अपनी ताकत से रोकेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। आज आपकी जानकारी के लिए भारतीय मजदूर संघ ने लड़ाई लड़कर हरियाणा में ठेका प्रथा खत्म कराई, आज पंजाब में भी ठेका प्रथा खत्म कराने की हम लड़ाई लड़ेंगे। सर सेंटर की बात लें तो सेंटर सरकार लगातार जितने भी अदारे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमने यहाँ तक स्टेशन तक भेज दिए। हम भारतीय मजदूर संघ ने अभी पिछले दिनों दिल्ली में 17 तारीख को प्रदर्शन किया है। हम ये कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हम इससे खिलाफ